हम हैं इमी और तानी, और अगर आप हमारी ट्रेवल जर्नी फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हम पिछले एक हफ्ते से रोमानिया नामी मुल्क में मौजूद हैं। रोमानिया में हमारे सफर का आगाज शहर बुकारेस्ट से हुआ, जो कि वहाँ का कैपिटल भी है। तो हमने अपने फर्स्ट 3 डेज बुकारेस्ट में वहाँ की मजेदार रंग बिरंगी और पेरिस जैसी गलियों की सैर करते हुए, वहाँ की खूबसूरत मॉडर्न और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को देखते हुए और वहाँ की हसल बसल के दौरान सबवेज कैच करते हुए स्पेंड किए, और हमें अंदाजा हो गया कि भाई बुकारेस्ट को लिटिल पेरिस क्यों कहा जाता है। और ये सब करने के बाद हमने रुख किया एक ऐसे छोटे से टाउन का जहां मैं जिंदगी में शायद बार बार जाना पसंद करूंगा, और उसका नाम है सिबियू। तो फाइनली हम लोग ट्रेन पर सवार हो चुके हैं, और ये रोमानिया की पहली हमारी ट्रेन राइड होगी जो हम बुकारेस्ट से ले रहे हैं। हम लोग सिबियू पहुंच चुके हैं फाइनली, और सिबियू को अलविदा कहने के बाद हमने रुख किया उस हाईवे का जिसको दुनिया का खूबसूरत तरीन हाईवे कहा जाता है। मैंने नहीं कहा भाई, जर्मी भाई ने कहा है यार। बहुत शानदार, बहुत दिलकश, बहुत अमेजिंग भाई, मतलब सख्त सर्दी है लेकिन क्या रोड्स है। कितने का है? $120 million? या। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह जहां पे ना सिर्फ रोमानियंस का सबसे पसंदीदा और रोमानिया का खूबसूरत तरीन कैसल तो मौजूद है, बल्कि उसके साथ साथ एक डरावना और आप लोगों का दिल हिला देने वाला कैसल भी मौजूद है। भैया ड्रैक्यूला का नाम तो आप सबने सुना होगा ना। ऐसी जगहों से हम गुजर के जा रहे हैं, मुझे तो एक्चुअली बहुत डर महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे हमें ये मुख्तलिफ पैडलॉक्स नजर आए हुए हैं जो कि ब्रिज के ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो आप लोगों ने अक्सर मतलब वीडियोस में या मूवीज में देखा होगा कि इस तरह के कई ब्रिजेस हैं दुनिया में जहाँ पे लोग आते हैं और फिर वो वहाँ पे पैडलॉक लगा देते हैं। तो ये भी उनमें से एक ब्रिज है जो कि ब्रिज ऑफ लाइज है, और यहाँ पे आप झूठ नहीं बोल सकते वरना यहाँ पे शिगाफ पड़ जाता है। लेकिन ये बड़ी खूबसूरत बड़ी कूल सी चीज है ना। पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के करे चार कदम, बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। आज हम जा रहे हैं ट्रांसिल्वेनिया। वी जस्ट लेफ्ट आवर होटल इन सिबियू, और बहुत बहुत हमने एंजॉय किया सिबियू को। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन्स आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। तानी भी यही कह रहा था कि इट्स लाइक अनरियल, लग रहा है कि है मूवी सेट में आ गए हैं। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम रोमानिया जब मतलब रोमानिया आने से पहले हमने यही सोचा था कि यार यूरोप होगा, लेकिन पता नहीं कितना अच्छा होगा क्योंकि थोड़ा सा साउथ ईस्टर्न यूरोप है, सेंट्रल यूरोप नहीं है, वैसा नाम नहीं है जैसे बाकी जगहों का, जैसे इटली, फ्रांस, पेरिस और ये सारी जगहों का नाम है। लेकिन बाकी में जैसे इम्तिसाल ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग नेपल्स या किसी इटालियन शहर में घूम रहे हैं, क्योंकि वही रंग बिरंगी कलरफुल बिल्डिंग्स है वहाँ पे, लोगों ने प्लांट्स और गमले रखे हुए हैं जिसके अंदर उन्होंने खूबसूरत से वो फूल और पता नहीं क्या क्या सब्जियां लगाई हुई हैं, उगाई हुई हैं। फिट सीन है यार। द अदर थिंग इज लाइक यू कैन जस्ट वॉक इनटू अ कॉफी शॉप और पिज्जा मिल रहा होता है हर जगह। यहाँ के लोग बहुत अलग खाना खाते हैं फ्रॉम व्हाट वी हैव एवर सीन। वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉट और यहाँ का खाना एक्चुअली बहुत डिफरेंट है, विच इज रियली इट्स रियली गुड। यू कैन गेट अ लॉट ऑफ वेज ऑप्शंस। हम तो वेजिटेरियन ही खा रहे हैं। सो टुडे वी आर एक्चुअली मेकिंग आवर वे ऑन टू ट्रांसिल्वेनिया, और वहाँ पे ड्रैक्यूला का कासल हमें देखना है। बहुत मतलब आने से पहले मैं दिस वाज वन ऑफ द बकेट लिस्ट थिंग्स आई वांटेड टू डू, बिकॉज़ बचपन में मैं वो कहानियाँ पढ़ती थी, डरती भी बहुत थी, डर भी बहुत लगता था कि ये क्या है ड्रैक्यूला, इट्स रियली स्केरी, बट इट्स एक्चुअली आई नेवर रियली इमेजिन दैट वन डे आई वुड बी इन ट्रांसिल्वेनिया। वन थिंग आई वांटेड टू मेंशन इज दैट यू नो वी लव शेयरिंग व्हाट वी डू। हमारी जो जर्नी है, हम घूम रहे हैं, अपना फैमिली टाइम शेयर कर रहे हैं, मतलब सारे अपने एडवेंचर्स ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं। समटाइम्स पीपल जस्ट से दैट वी डोंट शो इनफ ऑफ द नेचर और आवर सराउंडिंग्स, सो मतलब हम अपनी कोशिश तो ये करते हैं कि जितना दिखा सकते हैं दिखाएं, बट इट्स मोस्टली लाइक अस लिविंग इट। आई थिंक इट्स नॉट लाइक अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री, राइट? तो हम अपना व्लॉग शेयर कर रहे हैं, हमारी फैमिली के बेसिकली व्लॉग्स हैं एंड दे हैपन टू बी ट्रैवलिंग। मेरे ख्याल से यहाँ पे लोगों को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हमारा जो ट्रैवल चैनल है वो एक डॉक्यूमेंट्री चैनल नहीं है। आपको इस चैनल के ऊपर अगर खाली नेचर देखनी है या जो हम
मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं वो जगहें देखती हैं, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है आप किसी डॉक्यूमेंट्री चैनल को चेकआउट करें जहाँ पे ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं। हमारे चैनल पे आपको हमारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, हमारे लेंस के थ्रू कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, किस तरह से हम लोग ट्रेवल करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या एडवेंचर करते हैं, क्या क्या तजुर्बे हमें हासिल होते हैं इस पूरे सफर से, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। उसमें एंटरटेनमेंट भी है, तो ये एंटरटेनमेंट स्लैश ट्रेवल व्लॉग टाइप का सीन है। इसमें खाली आपको डॉक्यूमेंट्री नहीं मिलेगी कि हम आपको बस सीनिक जगहें दिखा दें और उसके पीछे एक वॉइस ओवर हो और मतलब उसमें पूरी हिस्ट्री और तारीख बता दें, तो वो हमारा हमारी चीज नहीं है, वो हम नहीं कर पाएंगे वो। तो अगर आप लोगों को इस तरह का कोई कंटेंट देखना है तो इस तरह के बहुत चैनल्स होंगे, आप लोग आराम से जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। और जो लोग हमारी इस ट्रेवल जर्नी में और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं इसमें इंटरेस्टेड हैं और हमारी ट्रेवल ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो वो ये देखें और मतलब खुश रहें, बाकी भी खुश रहें, लेकिन वो ज्यादा खुश रहें क्योंकि आप हमारा चैनल देख रहे हैं। You guys are the best. अगर आप सब्सक्राइब करते हैं हमें तो आप बेस्ट हैं। और वैसे भी आपको पता है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है, एक तो अपना पैसा खर्च करके हम लोग मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक बच्चे के साथ ट्रेवल करते हैं और एक जगह नहीं पूरी दुनिया, कोशिश हमारी यही है कि हम पूरी दुनिया घूमें, तो ये इतना आसान काम नहीं है, इसमें काफी मेहनत काफी आपको हेड स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, थिक स्किन होनी चाहिए आपकी ये सब कुछ करने के लिए। तो अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो यार जाके कुछ और देख लें, लेकिन अगर आप लोगों को इस तरह का एंटरटेनमेंट और ट्रेवल देखना है तो आप लोग फिर दानी और अम्मी को बस देखें, सब भूल जाएंगे। I mean, I wanted to live these experiences and like me and Tani, हमारा हमेशा ये गोल था कि comfortable नहीं होना, हमें experiences face करने हैं, challenges लेने हैं और अपनी जिंदगी को full like खुल के जीना है हमें अपनी जिंदगी को। So this is what we do. This is what, like if we're traveling, we take you guys along with us. हम कुछ भी करें, हम हर चीज़ आप सबके साथ शेयर करते हैं, but it's not like a full history channel या you know, oof, अल्लाह ये आंटी को दिखाओ, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। एक सेकंड। Hello. And on that note, we're gonna go and we are still 1 hour 20 minutes away. So we'll see you guys when we get there. Free thoughts allowed. Town to be proud. No cops around. So as we finally reached Bran, I was getting major goosebumps. और बचपन में मैं सारी जो कहानियाँ पढ़ती थी ड्रैकुला के बारे में, that place was right in front of my eyes. अब of course Dracula is a fictional character, लेकिन जो Bram है, जो original author है ड्रैकुला का, he actually pictured the fictional character to be held in a castle just like this one. So that is why this Bran castle is known to be Dracula's castle. और जब Inaya बड़ी होगी, I can tell her that she visited Dracula's castle when she was in even 3. Isn't that cool? आपने काफी कैसल्स देखे होंगे और इस तरह के खतरनाक स्टेयर केसेस भी देखे होंगे, लेकिन ये इंतहाई दर्जे का डरावना स्टेयर केस है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इसको मेरे ख्याल से प्रिजर्व किया हुआ है, तो आगे चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं कि और क्या है यहाँ पे। अजय, ओ भैया, ओहो, ये तो हम कहाँ आ गए यार, ये तो अलग ही दुनिया में आ गए। हम पहुंच चुके हैं ट्रांसिल्वेनिया एंड वी आर इन ड्रैकुलास कैसल। ब्रैन कैसल इस जगह का नाम है और ये बहुत पुराना, निहायत कदीम कैसल है, और जिस क्वीन का कैसल था वो तो अब हयात नहीं है जाहिर है, तो इसको टेक ओवर करने आज आ गई है इनाया। इनाया यहाँ की नई क्वीन है और हम लोग खड़े हुए हैं ये सेकंड डाइनिंग एरिया, पहला जो है वो आपको अभी हम दिखाते हैं कहाँ पे है। और ये बहुत स्पूकी वाइब्स आ रही है इस जगह, सीरियसली स्पूकी वाइब, मतलब मैंने सुना है कि इसके इर्द गिर्द जगह हॉन्टेड है। अच्छा, ये भी सुना है कि यहाँ रात में कोई नहीं ठहरता क्योंकि यहाँ पे असर है। अब मुझे ये नहीं पता किस चीज का असर है, लेकिन असर है यहाँ के लोग हैं, बुरी सोबत का असर है किसी। तो हम चलते हैं ऊपर की तरफ, वहाँ पे छत है। यार ये दरवाजा तो दिखाओ। हाँ, आ जाए। तो कैसल एंटर होते ही मुझे एक बड़ी स्पूकी सी फीलिंग आ रही है और ये बहुत स्पूकी व्लॉग होने वाला है। कैसल में क्वीन का कमरा है और ये कमरे को देख के अंदाजा हो रहा है कि क्वीन जो है वो सफाई का बहुत ख्याल रखती थी, बहुत अच्छी क्वीन थी, बहुत अच्छी क्वीन थी, और उसको मेरे ख्याल से ये बात पता थी कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। और ये थ्रोन है, कहाँ है थ्रोन? ये, ओह माय गॉड, ये थ्रोन है या क्या है? चेयर, इस पर बैठ के वो रूल करती होगी। ये इसके ऊपर खड़े होकर नहा भी सकती थी? नहीं नहीं, वो नहीं है, नहाने का नहीं है।
हम ठहरे वही जाहिल लोग। अच्छा ये फानूस जो है बड़ा खूबसूरत है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, और ये क्वीन की शक्ल है सामने जो है, ये मतलब उसका स्टैचू बनाया हुआ है। तो ये लिबास पहनती थी क्वीन, अच्छा लग रहा है। मतलब बिल्कुल इसी तर्ज के हमारे पास घर में पर्दे लगे हुए हैं, लेकिन मतलब हाँ पुराना फैशन है, तो पुराना फैशन ऐसी हो जाता। और यहाँ पे ये बड़ा सा मेरे ख्याल से इसमें ये लोग चाय वाय बना के पीते थे पूरे कैसल में जितने भी। चाय की तलब हो रही है, तलब हो रही है इसको चाय की। I need चाय। इससे कोई ये पूछे कि तलब का क्या मतलब होता है? I want it. You want it? और ये तिजोरी है भाई, तो ये क्वीन की तिजोरी होती थी, इसमें वो सारा सोना और जेवर वेवर और ये पैसे और ये सारी चीज़ें रखती थी वैल्यूएबल्स। और वो क्वीन तो चली गई, आज ये नई क्वीन आई है इस कैसल की, क्वीन इनाया। अच्छा लग रहा है, ये डाइनिंग एरिया था तो यहाँ बैठ के वो सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना या रात का खाना खाती होंगी। और पीछे जो है वो फायरप्लेस बनी हुई है, इससे क्वीन का बुर्का है, तो जब वो बाजार वाजार सौदा वौदा लेने जाती होंगी तो ये बुर्का पहन के जाती होंगी। समझ नहीं आ रही अगर वो डाइनिंग एरिया था तो ये क्या है फिर? ये सेकंड डाइनिंग होता है, वो मेहमानों के लिए होता है, वो खाना वो इस पे खाते थे। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारा कैसल है। इसको गंदा करते थे, उसको साफ रखते थे ताकि जब मेहमान आए तो लगे बड़ी साफ लोग। क्या बंदी है यार, अपनी तरफ से ऐसी इसने छोड़ियां मारी हैं अभी। लेकिन अच्छा ये दरवाजा बहुत अच्छा है, ये मुझे लग रहा है ऊपर छत की तरफ हमें लेके जाएगा। तो ये सीढ़ियां जो है ड्रैकुला कैसल, ड्रैकुला हम बता रहे थे ना कि बहुत स्पूकी वाइब्स है। अब देख ले ये कैसी जगहों से हम गुजर के जा रहे हैं, मुझे तो एक्चुअली बहुत डर महसूस हो रहा है। लाइक लिटरली लाइट नहीं है, और पुराने जमाने में लोग ऐसे ही जगहों में फिरते थे। जल्दी चलो यार, मुझे तो डर लग रहा है। गेटिंग अराउंड द कैसल इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। हां हां, लाइक अ बंच ऑफ स्टेयरवेज, अ स्पूकी सा म्यूजिक लगा। एक जगह तो एक ऐसा ऐसी आवाज भी थी जैसे कोई ड्रैकुला बैठ के हमें देख रहा। वो मैं निकाल रहा था। नहीं वो एक्चुअली अच्छा थी, बनाए थे। ओके, मैं भी निकाल रहा था वैसे। डर डर के मुझे भूख ही लगती। इधर इन्होंने ड्रैकुला बनाया हुआ है और इधर गार्लिक लगाई है। सारे खानों में इनकी बहुत सारी गार्लिक होती है। ये बहन जो है इसके अंदर पैसे डाल रही है, बड़े बड़े नोट निकालो, शाबाश शाबाश, छोटे नोटों से काम नहीं होगा, डालो बेटा। सो वी जस्ट वॉक्ड राइट आउट ऑफ द कैसल, अंदर एक बहुत ठंडी अजीब सी फीलिंग थी, और फिर वो जो प्रोजेक्टर्स पर उन्होंने लाइक वीडियोज़ लगाई थी, दैट रियली क्रीप्ड मी आउट। तानी ने भी मुझे फजूल में डरा दिया। अंदर गार्लिक भी लटकाई हुई है जैसे ड्रैकुला ना आए इस गार्लिक से। अब चलते हैं आगे बिकॉज हमें थोड़ी पिक्चर्स भी लेनी है, आप चलो। But now I'm a drover, I'm a rover, and an obstacle cries over. तो बात अब ये है कि जब हम सिपियू पहुंचे थे, मुझे यकीन आ गया था कि अब रोमानिया में इससे खूबसूरत शहर कोई नहीं होगा। Well, my friends, I was proven wrong. Brasov was equally unique and beautiful. And wow, I really wish we had a little more time here. Brasov, you really stole our heart. तो हम लोग ब्रैंड कैसल से अपना सफर तय करके पहुंच चुके हैं ब्रासोव, जो कि मुश्किल से 30 या 35 मिनट्स की ड्राइव पे है। और यार यूरोप ने मुझे पागल कर दिया। मतलब पहली दफा हम लोग रोमानिया आए, लेकिन रोमानिया ने तो मतलब हर एक शहर जो है वो दूसरे शहर से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा प्यारा, ज्यादा लाइवली। और यहाँ पे तकरीबन मगरिब जो है वो होने वाली है, सूरज जो है वो ढल चुका है, और यहाँ पे जो बिल्डिंग्स के कलर्स हैं, जैसे मिसाल ने भी बताया, ये क्या कलर्स हैं, ये पेस्टल है, ये क्या है, मतलब कोई अलग, मतलब एक हर बिल्डिंग जो है वो एक ही कलर की नहीं है, तो मतलब आप यहाँ पे बोर नहीं हो सकते। यहाँ पे हर बिल्डिंग का कलर अलग है ताकि
आई कैचिंग हो, लोग जो है वो आए यहाँ पे खुश हो, और इससे मेरे ख्याल से मूड भी अच्छा होता है। मेरा मूड इतना अच्छा हो गया कि मुझे शदीद भूख लग गई है। अच्छा, स्टारबक्स से अभी कॉफी लेते हैं। So this place is called Piatas de Fuli and this is like the town center of Brasov. सारे जो लोग Brasov आते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं, स्पेशली एक डिनर टाइम या लंच टाइम, बिकॉज यहाँ पे एक ढेर सारे कैफेज रेस्टोरेंट बने हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे 360 जरूर दूंगा इम्तिज़ाज़, घूम जाते हैं फौरन, क्योंकि यहाँ पे हर एक जगह, हर एक बिल्डिंग जो है वो देखने से ताल्लुक रखती है। इतनी खूबसूरत क्या आर्किटेक्चर है, और क्या मतलब यहाँ पे आर्ट वर्क किया हुआ है इन्होंने, और छोटे छोटे प्यारे से कैफेज बने हुए हैं। लग रहा है कि टाउन सेंटर भी है, शॉपिंग एरिया भी है, फूड कोर्ट भी है, फाउंटेन भी है, बच्चों के लिए खेलने की जगह भी है। तो चलते हैं आगे की तरफ, आगे के सीन दिखाते हैं। तो बाहर फ्रीजिंग कोल्ड है, लिटरली मतलब मैं भाग रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ अंदर छुपने के लिए। एंड वी जस्ट फाउंड दिस स्टारबक्स हियर, और बाहर लगी हुई थी पम्पकिन स्पाइस लाटे की एड। अब ऑस्ट्रेलिया में तो पम्पकिन स्पाइस लाटे मिलती नहीं मुझे, मतलब मैं पूरी ज़िंदगी सोचती रही, यू नो वी वॉच लाइक अमेरिकन मूवीज एंड एवरीथिंग, वी जस्ट लाइक ये पम्पकिन स्पाइस लाटे में ऐसा क्या है, मतलब कॉफ़ी में पम्पकिन क्यों है, कद्दू की कॉफ़ी, राइट? तो मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा ट्राई करने वाली हूँ, वो भी आप सबके साथ। अगर आपने ट्राई किया तो मुझे नीचे बताएं। आई जस्ट हैड योर मिल्क। अबे यार ये बड़ा मसला होता है कैमरे के पीछे रहने का, ये मेरी चीज़ें खा लेती है यार। तो यहाँ पे मैं पहला सिप लेने वाला हूँ वाइट मोका विद रेस्पबेरी का। कल सुबह मिल जाएगी यार, क्या ड्रामे कर रही है। ब्रसोव के टाउन स्क्वायर में घूमने के बाद हमें टाइम का पता ही नहीं चला। हम यहाँ पे पहुँचे थे तकरीबन मेरे ख्याल से जब मगरिब होने वाली थी, और अब रात हो गई है। तकरीबन एक डेढ़ घंटे जो है वो हम गुजार चुके हैं यहाँ पे। इतना फिट है यहाँ पे, ऐसी कोई मज़ेदार किस्म की, जैसे वो माल रोड को आप इस तरह का कर दें, मतलब यूरोपियन तर्ज पर कर दें और लोग कम कर दें, वैसी फील्स आ रही हैं। छोटी छोटी फूलों की दुकानें बनी हुई हैं, फ्लावर स्टॉल्स हैं यहाँ पे, अम्माएँ जो हैं वो पराठे बना रही हैं यहाँ पे, इस तरह के खूबसूरत से रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं, बार्स हैं, शॉपिंग एरिया भी यहीं पे है, फूड कोर्ट भी यहीं पे बना हुआ है। तो बहुत मज़ा आ रहा है, और हल्की हल्की जो है वो सर्दी महसूस हो रही है, गर्म कॉफ़ी जबकि पी हुई है। अब दिल ये चाह रहा है कि गर्म कॉफ़ी तो हमने पी ली है, थोड़ा सा गर्म सूप या शोरबा अगर मिल जाता तो थोड़ी सी जान में जान आ जाती, क्योंकि आपके बॉय ने कुछ खास नहीं खाया, बस सॉलिड ही खाया। जब तक आप कुछ सब्सटेंशियल ना खाओ तो आप में वो हिम्मत ठंड लग रही होती है, हिम्मत लाने के लिए आपके बॉय को कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। तो हुआ ये है कि कॉफी पी के मेरी भूख खुल गई है, और तानी को ये जगह इतनी अच्छी लगी है। इतनी जोर से बोला, साथ में अंकल चल रहे थे, वो घबरा गए, यार ये वो कहाँ से कोई आई है। यहाँ के लोग ऐसे में बहुत पोलाइट, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। हम लोग कराची या मतलब पाकिस्तान क्या एरिया है लड़के, हम लोग ऐसे कराची में चीख चीख के इतने आदि हो गए। यहाँ के लोग थोड़ा सा जोर से बोलते हैं वो घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। I spent a few months in Karachi, it's crazy. कुछ महीने कराची में गुजारने के बाद मैं भी चिल्लाने लग गई थी। So अच्छा, वैसे यहाँ का जो फैशन सेंस है वो देख के हमें यकीन हो गया कि हम लोग बहुत पीछे हैं, और हम बिल्कुल फैशनेबल नहीं हैं। हम यहाँ पे बात करें ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ पाकिस्तान को तो हम बीच में ला ही नहीं सकते, वो तो मतलब कल्चर ही बिल्कुल अलग है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो यहाँ के ब्रांड्स हैं, जो H&M है, ज़ारा है, और ये मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं यार, वहाँ पे कोई वैरायटी नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे, खाली होता है यार वहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब हम लोग एक छोटे से रूरल टाउन में जो है गए, और वहाँ पे H&M बना हुआ था और ज़ारा, और क्या कोई फिट वैरायटी थी, तो मज़ा आ रहा। ना यार ध्यान से रन जी बाजी, क्या पिए? दूध पत्ती, दूध पत्ती।
पत्ती खिला दो। तो आई डोंट नो, ये वाली लूं या ये वाली लूं? दे बोथ एक्चुअली रियली रियली नाइस। तानी कौन सी लो, ब्लैक या पिंक? दोनों बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी पर्सनालिटी के हिसाब से पिंक। मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग चीज़ें ये होती हैं कि हम पूरे दिन के बाद, मेहनत करने के बाद, हम एक हार्टी मील एंजॉय करें। तो आज हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं, इसका नाम है अमासी। सो दिस इज़ इन ब्रेसिव सिटी और ये हमें हलाल मिल गया, विच वॉज लाइक यू नो वी वर रियली एक्साइटेड। तो हम यहाँ आ गए, वी गॉट, इट्स एक्चुअली लेबनीज प्लेट्स। तो मैं बता देती हूँ हमने क्या ऑर्डर किया है। सो वी गॉट सम फलाफल ओवर हियर, दिस लुक्स रियली रियली गुड और सुपर क्रिस्पी है। लेबनीज फलाफल की तो अपनी बात होती है। तानी हैज़ गॉट लाइक ए कैसरोल, ये है बीफ का कैसरोल, इसमें ओकरा, चिकपीस, सारी सब्जियां, साथ राइस है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, सुपर हार्टी खुशबू आ रही है। एंड देन आई हैव गॉट लाइक अ बिट ऑफ अ वेजी कैसरोल, मेरे वाले में लैम्ब है। आई जस्ट, इसमें मुझे मशरूम्स नजर आ रहे हैं, लाइक रेडी टू डिग इन। एंड What did Inaya get? So Inaya got chicken sheesh tawuk. हमने आज decide किया था हम कम मंगाएंगे, and now I think we're gonna have to take it away. So guys, हम dig in करने वाले हैं dinner में और कल सुबह बहुत मजा आने वाला है, it's gonna be super exciting. So keep watching. Appalachian sunrise meets my skin. Good morning. हम निकले थे ब्रासोव से तकरीबन 40 मिनट पहले और अब हम पैलेस कैसल्स के बिल्कुल बाहर हैं। 5-6 मिनट की वॉक है। We just came in here because it's freezing outside. मैंने थोड़ी सी ग्रीन टी ली है, एक कॉफ़ी मैं पी चुकी हूँ। एंड नाउ वी आर गोना मेक आवर वे टू पैलेस कैसल और फिर हम रोमानिया का सबसे प्यारा कैसल आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चले Mount Laurel high fives for miles in spring. Rainbow trout and hummingbird. Hello. Golden. Hi. इस जगह आके मैं एक बात सोच रहा हूँ कि अगर कभी मुझे ज़िंदगी में अपने लिए कोई कैसल बनवाना हुआ तो वो कुछ इस तरह का होगा। अच्छा है, क्या है? कितने का है? $120 million? Yeah, USD. तो आप कोशिश करें 20,000 लाइक्स दें, शेयर करें हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब करें ताकि एक दिन मैं भी ऐसा कैसल अपने लिए बनवाऊँ और इनाया के लिए और इंतजार के लिए। अच्छा, so one of the reasons people come here for sure जब वो रोमानिया आते हैं is because हर चीज़, हर इन इसका आर्ट वर्क इतना intricate है। literally there is a mural in the inner courtyard और मतलब वो गोल्ड से पेंटिंग हुई है अंदर। it's unreal, it's unlike anything I've seen before और अंदर like full on like fancy scene है, लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे, we're just gonna see it from outside. around us are the Carpathian mountains और उनकी ठंड लाइक अच्छी खासी पड़ रही है, आई थिंक या स्नो भी होती हो। अच्छा, मेरे ख्याल से इसकी खूबसूरती में जो इजाफा हो रहा है वो एक उसकी जो मेन वजह है वो ये कि इसके चारों अतराफ जो हैं वो पहाड़ हैं। तो और वो वहाँ पे जाहिर है हरियाली बहुत है, अभी तो हम लोग अक्टूबर में आए, लेकिन अगर आप लोग स्नो टाइम पे भी अगर आए यहाँ पे विंटर्स में तो मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत लगेगा क्योंकि पूरा ढका हुआ होगा हाँ बर्फ़ से। तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। मुझे थोड़ी याद दिला रहा है हुंजा के जो हम लोग गए थे अल्तीत बल्तीत फोर्ट। हाँ, मेरे ख्याल से वो वुडन काम जो है वो थोड़ा सा मुझे रिमाइंड करवा रहा है वहाँ का, लेकिन मतलब ये जाहिर एक अलग जगह है। इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये जो विंडोज हैं दे एक्चुअली लुक रियली लाइक इट। Leaving all my worries, I prepare for something new. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true.
holding on too long, and unresolved questions hold you down. What could have been a friendly smile has turned into a frown. I'm moving on and on. On and on. I'm moving on and on. On and on. तो कैसल से बाहर निकलते हुए हमें यहाँ पे आंटियाँ नजर आईं जो भुट्टे बेच रही हैं गरम गरम. तो मैंने यहाँ पे सिका हुआ भुना हुआ भुट्टा लिया, इनाया ने उबला हुआ भुट्टा लिया, दोनों बहुत मजे के. और मौसम जो है वो तो है ही शानदार किस्म का, सख्त ठंड है और सर्दी है. इनाया बेटा क्या कर रही हो? तो हम यहाँ पे भुट्टे के मजे लूट रहे हैं. यहाँ से बस अब निकलेंगे, हमारा काम हो गया कैसल में. हमने पूरा मतलब इंजॉय किया, पूरा एक्सप्लोर किया सराउंडिंग एरियाज. बहुत फिट कैसल था यार. लोग इस वक्त मौजूद हैं एक बड़े होमी से कोजी से रेस्टोरेंट में जो कि सिनाए में है. तो हम लोगों ने कैसल जो है वो अच्छे से देख लिया है. इनाया के लिए ख़ास तौर पे ये एक्सपीरियंस बहुत मेरे ख्याल से यादगार और मेमोरेबल था, क्योंकि जिस तरह की स्टोरी बुक्स देखती है उसमें पिक्चर्स और ये सारी चीज़ें कैसल्स की, तो ये हमेशा ये कहती है कैसल है ये कौन सा है, इतना बड़ा कैसल कैसे बनता है ये और वो. तो आज जब इसने ये कैसल अपनी आँखों से देखा तो मेरे ख्याल से शी वॉज इन ऑ. इसको शी वॉज लाइक क्वीन प्रिंसेस. हाँ, तो इसको यही लग रहा था कि यार ये कैसल जो है ये जो बुक्स में मैं देखती थी वो मेरे सामने रियल लाइफ में आ गया है. तो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए एक बड़ा यूनिक सा एलिमेंट होता है इस तरह की जगहों पे जब आप उनको लेके जाते हैं. और बच्चों के साथ साथ हम दोनों ने तो एंजॉय किया ही किया, खासतौर पर यहाँ का मौसम so stunning. और अच्छा, यहाँ के रोमानिया के जितने भी ये छोटे छोटे टाउन्स विलेजेस हैं ये लगते छोटे हैं मतलब जब आप यहाँ पे आते हो, लेकिन मतलब टूरिस्ट ही बहुत है यहाँ पे, टूरिस्ट बहुत आते हैं. और अभी तो जबकि ऑफ सीज़न है, शोल्डर सीज़न है, पीक सीज़न में तो उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से यहाँ पे क्राउड आता होगा. लेकिन जो हलचल है, जो रौनक है, जो वाइब्स है वो बड़ी मतलब पीसफुल और मतलब बहुत ही चिल्ड है. मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है कि हसल बसल हो या मतलब बहुत ज़्यादा पागलों की तरह हर कोई भाग रहा हो. इट्स डेफिनेटली द स्लो लाइफ. बड़ा मतलब हम लोगों के लिए बहुत पुरसकून है. और मेरे ख्याल से वही चेंज ऑफ स्पेस जब होती है, चेंज ऑफ इन्वायरमेंट से जो है वो बहुत पॉजिटिव मेरे ख्याल से इम्पेक्ट पड़ता है आपकी सोच पर, आप जिस तरह से अपने रोज़मर्रा के काम करते हो उसके ऊपर. तो हम लोग बहुत ही मतलब अभी कंफर्टेबल मोड में आ चुके हैं. और अब यहाँ से सिनाइसा में ये करना है कि हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, आप लोगों को मज़ीद रूरल लेके जाएंगे. तो इस नोट पे, इस गर्मा गर्म मज़ेदार किस्म के सूप के नोट के ऊपर हम आज का ब्लॉग जो है उसको एंड करते हैं. सुमीत के साथ कि आप लोग हमारे ब्लॉग इन्जॉय कर रहे होंगे. और अगर आप लोग ब्लॉग इन्जॉय कर रहे हैं तो ज़रूर याद रखिएगा कि भाई लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोज़ को और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है मज़ीद इस तरह के ब्लॉग्स बनाने का और मज़ीद जगहें घूमने का. तो सूप पीता हूँ मैं, आप लोगों से मिलता हूँ इंशाल्लाह मज़ीद रूरल टाउन में रोमानिया के. अल्लाह हाफ़िज़.